हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निजय। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये TVS iQube है। आपने देखी होगी पहले भी, और आज हमारे सामने जो ये वेरिएंट इंट्रोड्यूस हुआ है, ये काफ़ी टाइम से वेटेड था। और TVS ने ऐसा करा है कि अब हर बजट के अंदर हर लोगों के लिए एक अच्छा खासा वेरिएंट उन्होंने निकाल दिया, जिसको जैसा चाहिए वैसा चूज़ कर सकता है। अब इनके पास iQube के अंदर ऐसे वेरिएंट्स मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो वेरिएंट के बारे में, जो आज न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं, या कह सकें जो मोस्ट वेटेड थे, तो उनके बारे में बात करेंगे। एक तो है नॉर्मल iQube और एक तो है iQube ST, जिसकी रेंज सबसे ज़्यादा, यानी कि एक लोवेस्ट रेंज से लेकर मैक्सिमम रेंज का आज जो है दो स्कूटर लॉन्च हुए हैं। इस वेरिएंट की बात करी जाए तो यहाँ पर जो मेरे सामने वेरिएंट है, ये सबसे ज़्यादा रेंज देने वाला, सबसे बड़ी बैटरी पैक वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा अपनी ऑल सेगमेंट के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएंट इंट्रोड्यूस करा है ये है iQube ST। जी हाँ, ये बहुत मैं कह सकता हूँ इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, और रेंज ऐसी है कि ये रियल वर्ल्ड की होती है। हमेशा TVS की जो रेंज बताते हैं वो लोग, ऑलमोस्ट रियल वर्ल्ड की होती है। जहाँ तक मुझे, मैंने जितना टेस्ट आउट करा है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी ST पे, आप देख लेना, वीडियो मैं नीचे लिंक दे दूँगा। मैंने अच्छे से टेस्ट करा था, मुझे अच्छी खासी रेंज देखने को मिली है, तो मैं इस चीज़ से तो इम्प्रेस ज़रूर हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस iQube के अंदर आपको देखने के मामले में नॉर्मल आपको तो पहले तो देखने को मिलेगी, जैसा दिख रहा है ये नॉर्मली आपको देखने को मिल रही है, चाहे LED लाइट्स है। लेकिन हाँ, कलर यहाँ पर अच्छा खासा इंट्रोड्यूस करा है, ये कुछ ग्रीनिश ब्लू आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप पास से देखेंगे, काफ़ी अच्छा कलर देखने को मिल रहा है। और ST की जो बैजिंग है यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, यानी कि जो विजिबल है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर आप इधर आएंगे, पीछे की तरफ आएंगे, तो इस वेरिएंट में ना आपको एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। मैं चालू करता हूँ पहले। ये टच स्क्रीन है जो आपको ST मॉडल में देखने को मिलती है हर बार। ये जैसे दिख रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। ये रेंज आ रही है, जो भी यहाँ पर आपको परसेंटेज दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जाएंगे, पहले आ रहा है साइड स्टैंड रिमूव, क्योंकि साइड स्टैंड पे आइए। अब मैं खड़ा कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर होता है तो ये जो है यहाँ पर डिस्टेंस टू MT आ रहा है, 135 की रेंज आ रही है अभी, 90% चार्ज है। तो आप जान ही गए होंगे, इतनी ज़्यादा रेंज तो तभी आ सकती है जब इसमें बैटरी बड़ी लग जाए। जी हाँ, अब यहाँ पर जैसे दिख रहा है नॉर्मल, आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। पार्क असिस्ट यानी कि रिवर्स पार्किंग का है, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है, कोई वहाँ पर चेंज नहीं है। हैजार्ड लाइट और ये मोड। और इधर आएंगे तो यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम, यहाँ पे जॉयस्टिक दी गई है, नीचे आपके इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको हॉर्न का स्विच दिया गया। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ खास तो नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको एक चाबी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, जो पहले भी आ रही थी, जिसमें आपको हल्की सी लाइट मौजूद है यहाँ पर, अगर आपको रात में देखना हो। बाकी यहाँ पर हुक है, एक अपना सामान रखने के लिए, और एक नीचे की तरफ हुक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर साइड प्रोफाइल की भी बात करी जाए तो यहाँ पर कलर मेनली तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक बैजिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी लग रही है, जो कि 3D में दी गई है, ये काफ़ी अच्छा है, जो कि 2024 मॉडल में आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और बाकी पैनल काफ़ी ठीक है, और ये यहाँ पर आपको फुटरेस्ट देखने को मिलेगा, रबराइज्ड है, काफ़ी बड़ा है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है, और इस साइड अगर आएंगे आपको मालूम होगा, मैंने भी बताया हुआ है, तो पीछे की तरफ आपको इस साइड में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक लिखा हुआ दिख जाता है, और पीछे की तरफ यहाँ पर भी नॉर्मल आपको लाइट्स देखने को मिल रही है, जो कि पहले जैसी आ रही है। इस साइड में आपको दिखाता हूँ, मेन इसको अगर मैं चालू करूँगा तो यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिलेगी नीचे की तरफ, जैसे दिख रहा है लाइट्स आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाकी स्कूटर में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, कि हाँ यहाँ पर क्वालिटी वाइज में काम करा गया, क्योंकि ये ST मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है इनका। और अगर आप इसकी अंडरनीथ स्टोरेज देखेंगे तो ये करीब 30 से 35 लीटर के आसपास की दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा है, एक हेलमेट अपना नॉर्मल आ सकता है। बाकी यहाँ पर एक OBD स्कैन दिया गया है ऊपर की तरफ ही, ये रहा OBD, और एक चार्जिंग का स्लॉट दिया गया है। बाकी यहाँ पर नॉर्मल आपको स्पेस काफ़ी अच्छी लग रही है। हाँ, कोई लैंप नहीं है यहाँ पर, वो लैंप जो है की में दे दिया गया है। इसकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं अब ये जो मॉडल है,
ये टॉप ऑफ द लाइन आने वाला है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लेकिन इसकी प्राइसिंग जो है 1,85,000 रखी गई है। और अगर आप 15 जुलाई से पहले इसको बुक कराते हैं या लेते हैं तो 10,000 रुपये का जो भी लॉयल्टी बोनस मिल सकता है, जो कि उनको जो उन लोगों को मिल सकता है जो पहले से ये बुक करा के भी बैठे हैं। यानी कि जो मैक्सिमम रेंज वाली है स्कूटर जो पहले से वेबसाइट पर लिस्टेड थी, तो जो लोगों ने बुक कराई थी कि हाँ इन फ्यूचर जब आएगी तो हम उसे लेंगे, परचेस करेंगे, तो उन लोगों को लॉयल्टी बोनस कुछ दिया गया है यहाँ पर डिस्काउंट, वो भी कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर इसकी प्राइसिंग 1,85,000 आपको देखने को मिलेगी नॉर्मल लोगों के लिए। अब इसकी रेंज 150 किलोमीटर्स की है, और नॉर्मल ये अगर आप देखेंगे नॉर्मल वर्ल्ड में कि एक्चुअली ये दे सकती है उन लोगों के लिए है जो मैक्सिमम रेंज चाहते हैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से, जिनकी दिन की रनिंग काफ़ी ज़्यादा है। और अगर इसको चार्ज करना है तो लगभग आपको यहाँ पर करीब 7 से 8 घंटे लगेंगे इसको चार्ज करने के लिए अगर आप नॉर्मल चार्जर से यूज़ करते हैं। और इनके पास एक और चार्जर मिलता है जो कि थोड़ा सा फास्ट चार्जर है, वो करीब 2.5-3 घंटे में आपको ये पूरा चार्ज करके दे देगा। लेकिन मेन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको हर चीज़ों का ध्यान रखा गया है टीवीएस की तरफ से। आपको अगर फास्ट चार्जिंग करनी है तो चार्जर भी अवेलेबल है, अगर आपको स्लो स्पीड में चार्ज करना है वो भी अवेलेबल है जो इसके साथ आता है। और इस मॉडल के अंदर नॉर्मली आपको बाकी सारे जो कनेक्टिविटी फीचर्स हैं वो सब देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको टच स्क्रीन दिखाई वो भी अवेलेबल है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल आपको देखने को मिलती है। तो ये इस आई क्यूब लाइनअप का सबसे टॉप वेरिएंट है। अब हम चलते हैं इसके लोएस्ट वेरिएंट की तरफ, आपको लोएस्ट वेरिएंट दिखाता हूं। ये वेरिएंट है जो आपको बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको आई क्यूब लेनी है तो यहाँ पर आपको इस वेरिएंट पे जाना पड़ेगा जो कि सबसे अफोर्डेबल है, और मुझे लगता है कि सेंसिबल भी ये है, क्योंकि आजकल क्या हो गया फेम टू पॉलिसी के ऊपर जितना हम देख रहे हैं डिस्काउंट अब नहीं मिल रहा, अब जो पहले मिल रहा था अब मोस्टली स्कूटर जो है अपने ओरिजिनल प्राइसिंग पर आ रही हैं, तो धीरे धीरे जो स्टेट्स पॉलिसीज़ हैं उन पर आपको डिस्काउंट मिलेगा नॉर्मली। तो यहाँ पर ये जो मॉडल है वैसे आपको कलर थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, ये भी नया इंट्रोड्यूस हुआ है जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये भी ब्राउनिश कलर का है, तो यहाँ पर भी अलॉय व्हील्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, जो नॉर्मली आपको बेस वेरिएंट में भी आराम से ये जो है 12 इंच के हैं और देखने के मामले में काफ़ी अच्छा है। नॉर्मली लुक सेम रखा गया, यानी कि कोई भी आई क्यूब लोएस्ट से टॉप वेरिएंट में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पर ST का जो बैजिंग होगा या S का बैजिंग होगा यहाँ पर मिलेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक बैजिंग दिया गया है छोटा सा, और ST का बैजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा कि आपको कौन सा आई क्यूब का वेरिएंट चला रहे हैं। और आप अगर थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताऊँगा, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ना ये स्क्रीन दी गई है जो कि छोटी है थोड़ी सी, ये करीब 4 इंच के आसपास की है, जो कि पहले से करीब वो 7 इंच की थी जो आपको नॉर्मल में देखने को मिलती है। ये 4 इंच की है, जहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, अगर मैं इसको ऑन करूँगा ब्रेक पैस मोड बटन ऑन, ये ऑन हो गया है, तो ये यहाँ पर अब इसका लेआउट देखने को मिलेगा जो कि बहुत बेसिक में देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको बैटरी की परसेंटेज दिखा रहा है, यहाँ पे इको मोड दिखा रहा है, यहाँ पे मोड करूँगा तो पावर मोड आ गया यहाँ पर, और नीचे ट्रिप ओडोमीटर सब दिखा रहा है, बाकी इसमें और कोई मॉडल नहीं दिखा रहा। लेकिन हाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें भी देखने को मिलती है आपको, और डिस्टेंट टू MT 49 दिखा रहा है, मैं बताऊँगा इसका क्या है। ये जो 81% पे चार्ज है तो आपको बताता हूँ इसमें जो रेंज है ये करीब 75 की रेंज दी गई है, जो कि 2.2 किलोवाट की बैटरी के साथ देखने को मिलता है। नीचे आपको नॉर्मली सब देखने को मिला, बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है ये बटन है नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई जॉयस्टिक है कुछ भी नहीं दिया गया क्योंकि बेस वेरिएंट है। और अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी हेजार्ड स्विच और नॉर्मल यहाँ पर रिवर्स का स्विच दिया गया और मोड स्विच दिया गया है, बाकी यहाँ पे लेआउट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ ये भी क्वालिटी में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर और भी फीचर दिखाता हूँ जो दे रहे हैं। ये तो इसका चार्जिंग पोर्ट है जो पहले भी आपको देखने को मिलता है, मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये रहा चार्जिंग पोर्ट, और ये रहा हुक दिया गया है ग्रोसरीज़ का, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी ग्रोसरीज़ का हुक देखने को मिल रहा है। और अब इसकी ना थोड़ी स्पेस दिखा देता हूँ यहीं से ही, अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मुझे अजीब लगा है क्योंकि ये थोड़ी सी जगह कम है, आई डोंट नो वाई, क्योंकि बैटरी कम है लेकिन फिर भी यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है जो यहाँ पे हम दे दिया गया है, लेकिन ये थोड़ा डीपर है अगर आप दूसरे मॉडल से कंपेयर करके देखेंगे। ये इसका चार्जर है नॉर्मल वाला देखने को मिलता है, ये रहा इसका चार्जर, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसका
मेन यूएसबी सॉकेट दिया गया है और यहाँ पर शायद ओबडी स्कैन भी यहीं पे ही है, तो खुल तो नहीं रहा, मैं रिस्क भी नहीं लूँगा, लेकिन यहीं पे सब मिलता है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये इसका नॉर्मली जो पैनल है अपनी चैसी नंबर देखने के लिए दिया जाता है, ये टीवीएस के स्कूटर में नॉर्मली आपको देखने को मिलता है। अब साइड प्रोफाइल में यहाँ पर नॉर्मल वैसे ही देखने को मिलता है, कलर थीम थोड़ी सी चेंज है यहाँ पर, जैसे आई क्यूब की दी गई है, इलेक्ट्रिक की दी गई है, और यहाँ पर जो आपको ये फुटरेस दिया गया है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। लेकिन हाँ, यहाँ पर अब क्या आपको चीज़ें मैं बताता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल मिल रही है। जैसे मैंने बताया इसकी 75 की रेंज है, 2.2 किलोवाट की बैटरी अवेलेबल है। इसका प्राइसिंग जो स्टार्ट होता है वो करीब होता है 85,000 का जो स्टार्टिंग प्राइस दिया गया है, यानी कि अगर आपको लेना है आई क्यूब तो 85,000 का मिल सकता है। अभी बाकी यहाँ पर जैसे दिख रहा है नॉर्मली आपको सब कुछ चीज़ें वैसी देखने को मिल रही हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो आपको ना अब डिटेल से बताता हूँ अब इनके क्या क्या वेरिएंट अवेलेबल है और क्या क्या इस आपको ऑफर देखने को मिलेंगे टीवीएस की तरफ से। TVS के पास अब जो है रेंज काफ़ी अच्छी मौजूद है, जो कि आई क्यूब के अगर बारे में बात करी जाए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करी जाए, तो यहाँ पर अब ऐसा है जैसे आपको दिखाया एक लोएस्ट वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक आपको मौजूद देखने को मिलेगा, जहाँ पर रेंज जो है करीब 150 तक की रेंज है और 65 टू 75 की रेंज से लेकर यानी कि 150 तक रेंज आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर TVS के पास अब तीन कैटेगरी की यहाँ पर आपको बैटरी साइज़ मौजूद है। सबसे पहले एक तो 2.2 किलोवाट की बैटरी जो यहाँ पर आपको दिखाया, जो आज ही लॉन्च हुआ, करीब 85,000 की इसकी जो है प्राइसिंग है, और जो टॉप स्पीड है इस मॉडल की वो करीब जो है 75 की रखी गई है, ज़्यादा नहीं है जो दूसरे वेरिएंट से है। अब जो है दूसरा वेरिएंट आता है, फिर आता है 3.4 किलोवाट का, जो प्राइसिंग जो है जिसकी करीब 1,19,000 से स्टार्ट होती है और करीब जो है 1,38,000 तक जाती है ST वेरिएंट की, जो यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। लेकिन ST वेरिएंट में आपको थोड़े से फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं, जहाँ पर कनेक्टिविटी और टच स्क्रीन का वहाँ पर फीचर देखने को मिलता है, जॉयस्टिक से आप ऑपरेट कर सकते हो स्क्रीन। वैसे ये भी जो है ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, और यहाँ पर भी छोटे मोटे जो आपको जो नोटिफिकेशन है, अलर्ट्स हैं, वो सब देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करी जाए 3.4 किलोवाट के जो मॉडल की बात करी जाए, तो जो उसकी रेंज थी करीब जो है 100 तक की रेंज बोली गई थी, तो 85 की तो आ ही जाती थी, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग बताया, जो 75-60 तक तो हमने खुद चलाया है, मतलब काफ़ी अच्छा उसमें हमने एक्सपीरियंस करा है, तो मुझे मालूम है वो रेंज काफ़ी अच्छा सकता है, और उसकी प्राइसिंग भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव चली जाती है अगर आपको दूसरा वेरिएंट लेना है। फिर उसके बाद आपको अगर अच्छा खासा और रेंज चाहिए, तो 150 किलोमीटर की जो रेंज है वो आपको देखने को मिलती है, जो कि ST वेरिएंट में है, और उसकी प्राइसिंग जो है 1,85,000 के, और उसकी टॉप स्पीड भी वही है 85 की रखी गई है, यानी कि 3.4 किलोवाट से लेकर 5.1 किलोवाट की बैटरी के दोनों वेरिएंट की टॉप स्पीड इतनी ही रखी गई है। बाकी दोनों की चार्जिंग टाइमिंग अलग है, 3.4 किलोवाट की चार्जिंग टाइमिंग है लगभग 5 घंटे की चार्जिंग टाइमिंग है अगर आप नॉर्मल चार्जर से करेंगे, बाकी फास्ट चार्जर से करीब 3 घंटे से कम में हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपको अगर नॉर्मली 2.2 किलोवाट भी लेनी है तो ये भी काफ़ी अच्छी है, ये करीब 4-5 घंटे में चार्ज हो जाती है। और मेनली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब आपको हर एक कैटेगरी के चॉइस का आपको एक वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि मुझे लग रहा है TVS के पास एक काफ़ी अच्छी रेंज हो गई है। लेकिन ना सिर्फ आई क्यूब के अंदर है, अगर आप इनके पास और भी कोई मॉडल आते हैं तो और भी डिफ्रेंशिएट करना अच्छा रहेगा। लेकिन इनिशियली हमने ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, तो जेन्युइनली TVS ने वो भरोसा जीता हुआ है, तो आपको अब इनका जो मैक्सिमम वेरिएंट है उसमें भी वो चीज़ देखने को मिलेगी, यानी कि जो टॉप वेरिएंट है 150 की रेंज का भी अच्छा खासा वो रेंज और कैपेबल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी वीडियो इस TVS iQube के ऊपर, आपको कैसी लगी बताना जो कमेंट सेक्शन में अंदर 2024 वेरिएंट के ऊपर। तो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करके जाना वीडियो को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस ड्राइव।